सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जल्दी से आ जाइए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आप सबका। हमेशा मैं ही वेट करती हूँ, कोई मेरा वेट नहीं करता, पर कोई एक है जिसने पहले ही लाइक कर दिया है। कौन है कौन है कौन है, जल्दी आइए जल्दी आइए, वेट कर रही हूँ। कोई नहीं, कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। वेट करती हूँ, इंतज़ार करती हूँ। इंतजार करेंगे। आई डोंट नो कॉपीराइट क्या था। कोई नहीं आया, 1 मिनट होने वाला है। क्या बात है, आज मुझसे कोई मिलना नहीं चाहता, कोई भी मेरा वेट नहीं कर रहा है। कितने बदकिस्मत है हम, कोई भी हमारा इंतजार नहीं कर रहा, हम ही इंतजार करते हैं। आए हैं शायशा जी। हाय ज्योति दी। हेलो जी, कैसे हैं आप? आप आकर के चले गए शायद, है ना? दो लोग जुड़े हैं हमसे, काफ़ी लेट से आप आते हो, मैं इंतज़ार करती रहती हूँ, मुझे बहुत इंतज़ार करवाते हो आपसे। और कौन आया है? एजुकेशन ग्रिशा, शायद प्रिया, माधवी जी आ गई हैं। और कौन है? सायशा जी लिख रही, कैसे हो आप जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सायशा जी, आप कैसे हो? एजुकेशन ग्रिशा, आप एक बार अपना नाम लिख दे, मैं भूल गई हूँ। अदिति केसरी जी आ गई हैं, वो लिख रही हैं हाय। सुनील यादव जी हाय भेज रहे हैं। जे एस, हेलो जे एस, अपना नाम लिखे जे एस। रूपम क्वीन जी हाय लिख रहे हैं। मेहता जिया, हेलो जिया मेहता जी, आप कैसे हो? विश्वा, ओके विश्वा जी, अब नाम याद रहेगा। ईशा सिन्हा हाय, हाय ईशा जी। तमन्ना जी भी आ गई हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, आपने मुझे कमेंट किया था, तो देखिए मैं आ गई आपसे मिलने। मैं आपसे भी ज़्यादा एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए। शायशा जी, मैं भी ठीक हूँ जी, ओके जी, तब बहुत अच्छी बात है। ईशा जी लिख रही हैं हाय। तमन्ना जी लिख रही हैं हाउ आर यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? शायशा जी लिख रही है, ज्योति दी आप प्लीज़ अपनी मम्मी को बुलाएं प्लीज़। मेरी मम्मी अभी इतनी जल्दी तो नहीं आ पाएंगी, वो यहाँ नहीं है, वो भी पंजाब में है। मनदीप कौर जी लिख रही है, हेलो दीप्पी, ओके मैं पहचान गई आपको, आज आपको फुर्सत मिल गई मुझसे बात करने की। जयस जयस, मेरा नेम सूफिया है, सूफिया जी, ओके। थोड़ा फ़ोन आज थोड़ा सा हिल रहा है, मैं इसको थोड़ा सा टाइट करना भूल गई, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। मैं पहले आती हूँ जी, विश्वा जी आपने लिखा मैं पहले आती हूँ, हाँ आज आप सेकेंड हो गई। बरलस्कर जी भी आ चुके हैं, हाउ आर यू डियर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ग्रिशा जी लिख रहे हैं लाइव चैट में, ओ हाँ जी। अदिति जी, केशरी जी लिख रहे हैं बाय, मेरी ट्यूशन टीचर आ गई है, ओ हो ट्यूशन टीचर आ गई, चलिए ठीक है फिर मिलते हैं आपसे। मेहता जिया, व्हाट शुड आई से, यू आंटी और समथिंग एल्स, जो आप चाहो वो बोल सकते हो, दीदी आंटी मासी ज्योति, जो चाहो कह सकते हो। नो ग्रैंडमा, नो ग्रैंडमा, मैं भी उतनी भी उम्रदार नहीं हुई हूँ, पीछे से कमेंट करना बंद करो। ईशा जी लिख रही है हाउ आर यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अदिति जी आई एम सॉरी, सॉरी किस लिए लिख रही हैं आप? मेहता जी आप प्लीज से, तो आप मुझे दीदी कह सकते हो। जिया जी, विनय राठौर जी हाय, मैं दीक्षा, ओके दीक्षा जी हेलो, कैसे हो आप? एनोज एंटरटेनमेंट हाय दीदी, आप बहुत सुंदर लग रही हो, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बलस्कर जी लिख रहे हैं टुडे यू आर लुकिंग सो क्यूट, थैंक यू जी, आप एक बार अपना नाम फिर से लिख दें, मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ। तमन्ना जी लिखते हैं यू लुक सो प्रिटी, थैंक यू तमन्ना जी। माधुरी जी भी आ गई हैं हाय। सुनील यादव हाउ आर यू मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुनील जी, आप कैसे हो? अरुणा देवी जी भी आ चुकी हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विनय राठौर जी कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ विनय जी। अरुणा देवी जी नाइस। प्रकाश शारदा जी हाय। सेजल, शायशा जी लिख, ज्योति दी अपनी जो डिफरेंट साड़ी का वीडियो बना था, आपने जो डिफरेंट साड़ी का वीडियो बनाया था वो मैंने मम्मी को दिखाया था, और वो क्या लिखती है, कर रहा था कि, पूछ रही थी, लिखना चाहती शायद, पूछ रही थी कि, क्या पूछ रही थी कि आप इतनी जल्दी साड़ी कैसे पहनती हो? मैं जल्दी साड़ी नहीं पहनती हूँ, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया जाता है,
साड़ी पहनने में तो थोड़ा सा धीरे धीरे पहनो तो ही अच्छी साड़ी पहनी जाती है। बस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को बहुत लंबी ना लगे वीडियो, ऐसा ना हो कि आप लोग आधी में ही मेरी वीडियो छोड़ करके फुस। एंड दैट इज यूट्यूब कॉमन सेंस। ओह यस, अरुणा देवी जी ने बहुत सारे तीन दिल भेज दिए और ऐसे वाली एक इमोजी भेजा है मुझे। और अरुणा देवी ने लिखा है, क्यूट मेहता जिया, हाय ज्योति मासी, हेलो जिया, कैसे हो आप? आज आप खेलने नहीं गई? अरुणा जी लिखते हैं, सॉरी। सॉरी क्यों भाई? अरुणा, हाय दीदी, हेलो जी। प्रकाश शारदा, मतलब के सेजल, यू आर लुकिंग सो प्रिटी एंड मेरा नाम क्या है? सेजल, मुझे याद है। अरुणा जी लिखते, सो क्यूट सिस्टर, थैंक यू। विनय राठौर जी, मैं ठीक हूँ, ओके। अर्शप्रीत कौर जी आ चुकी हैं, जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, हेलो जी, कैसे हो आप? सो क्यूट। विश्वा जी लिखते हैं, विश्वा जी लिखती हैं, अरुणा जी नाइस, अरुणा देवी जी लिखती हैं नो, विनय राठौर जी सो क्यूट, अरुणा, थैंक यू विनय जी। अरुणा देवी जी लिखती हैं, हाय हेलो जी। बलश्कर जी लिखते हैं, कहना है कॉल यू क्यूटी, क्यूटी बोलोगे आप मुझे? ठीक है, अगर मैं आपको क्यूटी लग रही हूँ तो ठीक है, किसे बुरा लगेगा? देखो हंस रहे हैं पीछे से, कोई बहुत कोई है जो मुझे बहुत पसंद करते हैं। बोलते यू आर सो स्वीट, माधुरी जी लिखती हैं, थैंक यू। अरुणा जी हेलो, अरुणा देवी जी नाइस, एजुकेशन ग्रिशा, आई मीन विश्वा जी लिखती हैं, मैं पहले आती थी, बीच में नहीं आई थी, सॉरी। क्यों नहीं आए थे? हमने आपको बहुत मिस किया, आप साड़ी में बहुत क्यूट लगती हो। ओके, मैं एक बार साड़ी पहन के भी आई थी अपनी लाइव वीडियो में, मैं फिर आऊँगी कभी साड़ी पहन करके। अरुणा देवी जी ने अपने दो दिल मुझे भेज दिए हैं, दो दिल, थैंक यू अरुणा जी। ज्योति दी, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? वो हमारे लिए कमाई कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं हमारे लिए, खुशियाँ कमा रहे हैं हमारे लिए। अरुणा देवी जी लिखती है, नाइस। दैनिक ज्ञान, लव यू, लव यू टू। मेहता जिया, हेलो आर्यन। आर्यन गेम खेल रहा है मोबाइल में। विश्वा जी लिखती है, सो 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 क्यूट, थैंक यू विश्वा जी। अरुणा देवी जी ने फिर से दो हार्ट भेज, तीन हार्ट भेजी और ऐसे 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 वाला इमोजी भेज दिया है। माई डॉटर इज सेइंग हाई टू यू। सुनील यादव जी लिखते हैं, हेलो बेटा, कैसे हो आप? अरुणा देवी, क्या कर रही हो सिस्टर? मैं आप सबसे प्यारी प्यारी बातें कर रही हूँ, आप सबसे मिलने आई हूँ। हाउ योर सो फिट, कैन यू एक्सप्लेन, डू यू जिम? नहीं, जिम तो नहीं जाती हूँ मैं, घर पे ही थोड़ा बहुत कर लेती हूँ कभी कभार। मनदीप कौर लिखती है, आज क्या स्पेशल बताएंगे? आज मैं ये स्पेशल बताऊंगी कि बहुत जल्द मैं अपने चैनल पे गिव अवे लेकर आने वाली हूँ। जल्दी से आप 50K कर दीजिए, 50,000 की हमारी जब फैमिली हो जाएगी तो मैं गिव अवे लेकर आने वाली हूँ, बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आऊंगी। तो जल्दी जल्दी हमारी फैमिली को बहुत बड़ा बना दीजिए, 50,000 पहुँचा दीजिए हमारी फैमिली को। यही आज का स्पेशल था। अर्शप्रीत कौर जी लिखती है, मैं आपकी हर लाइव वीडियो अटेंड करती हूँ, थैंक यू अर्शप्रीत जी, आप बहुत क्यूट हो, आपका नाम भी बहुत प्यारा है। तमन्ना जी लिखती है, मैम आप अपना अपना बेटा का बर्थडे केक बहुत अच्छा बनाया था, सच्ची में आपको पता चला मैंने क्या बनाया था? क्योंकि मुझे लगा पता नहीं आप सबको पता चलेगा कि नहीं मैंने क्या बनाया था, अगर नहीं पता चलता तो बड़ी इंसल्ट हो जाती। जेएस जेएस, कैसे हैं आप? मैं आपकी सारी वीडियो देखती हूँ, थैंक यू जेएस जेएस जी। आप अपना नाम नहीं लिखोगे तो कुछ ऐसे ही बोलना पड़ेगा, जेएस जेएस जी, योर वीडियो इज सो नाइस। माधुरी जी लिखती है, थैंक यू। तो जल्दी जल्दी हमारी फैमिली को बड़ा कीजिए, फटाफट से हमारा चैनल ग्रो होगा, आपका और हमारा चैनल ग्रो होगा, हमारी फैमिली बढ़ेगी तो कितना मजा आएगा। दैनिक ज्ञान जी लिखते हैं, आई लव यू, कैन यू डू वन? ओफ, क्या क्या आप लोग भी, हम यहाँ सब भाई बहन हैं, अच्छी अच्छी बातें लिखिए, अच्छा लगेगा, प्यार से रहेंगे, फैमिली की तरह रहेंगे, क्यों इस तरह की बातें आप लोग लिखते हो? सो क्यूट दी, थैंक यू। मेहता जी, ओके मासी। शायशा जी लिखती है, ज्योति दी आप अपना हस्बैंड को वीडियो पर क्यों नहीं बुलाते हैं? वो आते ही नहीं।
तो मैं कैसे बुलाऊं, कभी आप लोग बुलाएंगे तो शायद आ जाए। लेकिन हाँ, मैंने सोच रखा है जब हमारी 1 मिलियन की फैमिली हो जाएगी तब मैं अपनी पूरी फैमिली से आपको मिलाऊंगी। उसमें कौन कौन रहेंगे, सरप्राइज। जल्दी जल्दी से, 50K ही नहीं हुआ अभी तक, 100K कब होगा, कब 1 मिलियन होगा, तब सबके साथ मिलवाना चाहूंगी। अब जल्दी से जो भी आ रहे हैं ना, फटाफट से वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दें। मासी, कैन आई कॉल यू? हाँ बिल्कुल, मैं लाइव चैट के बाद आपसे बात करूँगी। सो क्यूट, सिस्टर अरुणा जी लिखती हैं। अरुणा देवी जी लिखती है हाय। सुनील यादव जी लिखते हैं हाय मैम, हेलो जी। दैनिक ज्ञान जी को मुझे लगता है ब्लॉक करना पड़ेगा, वो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बस मजाक में बात को ले रहे हैं। अरुणा देवी जी ने बहुत सारे हार्ट भेज दिए अपने, बहुत सारे, थैंक यू अरुणा जी। आप अपने बालों के लिए क्या करते हो, ये पूछते हैं विश्वा जी। तो मैंने अभी कल या परसों ही एक वीडियो अपलोड की है जिसपे मैंने बताया है कि मैंने अभी अभी अपने लिए शैम्पू मंगवाया है वैदिक से, जो कि कस्टमाइज्ड किया होता है, खास करके हमारी बालों में जो प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से कस्टमाइज किया होता है। तो वो मैंने अभी भी मंगवाया है और यूज़ किया है 2 से 3 बार, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और उसके अलावा मैं बहुत सारी घरेलू चीज़ें DIYs करती रहती हूँ। मेरे बाल बहुत ज़्यादा बहुत बुरे हो गए थे और अभी मेरे बालों की कंडीशन जो है बहुत अच्छी हो गई है। बहुत सारे न्यू बाल, न्यू हेयर आ रहे हैं, रीग्रोथ हो रही है बालों की। बहुत मेरे ग्रे हेयर हो गए थे, बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए थे, तो बहुत कुछ किया मैंने इस विंटर्स में। और जो कि आप सबके साथ मैं शेयर करती रहती हूँ समय समय पे, तो आप मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। फिलहाल मैंने मेहंदी लगाई हुई है इसलिए ऐसे लग रहे हैं कलर, मैंने अभी हेयर कलर करना बिल्कुल छोड़ दिया है। सुनील यादव जी ने बाय कर दिया है, ओके सुनील जी बाय। अरुणा देवी जी लाइव। अर्शप्रीत कौर जी लिखती हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू अर्शप्रीत जी, सो क्यूट दी। अरुणा जी लिखती हैं बबीता मंगल जी आ गई हैं, हमसे जुड़ गई हैं, हाय बबीता जी। अरुणा देवी जी ने बहुत सारी स्माइली भेजी है, बहुत सारे इमोजीज भेजे हैं। अरुणा देवी जी, इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के बाद फिर से बहुत पता नहीं, उन्हें हमारे साथ अच्छा नहीं लग रहा शायद, हो क्या, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माई फ्रेंड्स ऑल्सो लाइक यू, माधुरी जी लिखती हैं, थैंक यू माधुरी जी। अरुणा देवी जी, आप क्यों रो रही हो या क्या गुस्सा हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है? आज खाने में क्या बनाने वाले हो? डिनर पे देखते हैं क्या बनेगा, और लंच पे तो हम आज हमारे यहाँ गुरुद्वारा साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का गुरपुरब था, तो हम आज गुरुद्वारा साहिब गए थे और वहीं पे हमने लंगर खा करके हम आए हैं। जल्दी जल्दी से मैं आई हूँ 3:30 तक रेडी होकर के, आपके साथ लाइव बातें जो करनी थी। अरुणा देवी जी, क्या ज्योति दी, सायशा जी लिखती हैं आपने मेहता जिया को अपना नंबर दिया है तो मुझे भी नंबर दे दो ना प्लीज़ यार प्लीज़। अरे मेहता जिया को मैंने नंबर नहीं दिया है, वो मेरी सिस्टर सिस्टर की बेटी है, तो सिस्टर से बातें करती हूँ ना इसीलिए वो इस तरह से लिख रही है। वो तो मुझसे आकर यूं ही मिल ही लेती है, रोज़ ही आती है या मैं चली जाती हूँ। मैं खाने में आऊं जी? बिल्कुल आइए, मैं आपकी पसंद का खाना पकाती हूँ, आइए। विश्वा बड़लस्कर जी लिखते हैं यू शुड ब्लॉक नेगेटिव पीपल। जी मुझे किसी को भी ब्लॉक करने का मन नहीं करता, मुझे लगता है सारे परिवार का हिस्सा है, पर पता नहीं क्यों क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं तो अलग अलग अजीब अजीब सी बातें लिखते हैं, पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है वो किसी ना किसी टेंशन में होंगे, शायद इसलिए वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम उनकी लाइफ में शायद होगी, तो मैं प्रे करूंगी भगवान से कि जो भी उनको प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो डिस्टर्ब हैं, भगवान करे उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दे और ब्लॉक करने की नौबत ना आए। मैं सच में किसी को ब्लॉक नहीं करना चाहती। प्लीज़ गिव मी योर फ़ोन नंबर प्लीज़, माधुरी जी लिखती हैं। बाय दी मनदीप कौर, आपकी वीडियो से केक ट्राई कर रही हूँ। वाह बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बनाइए केक और मुझे पिक सेंड कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम में। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ग्लैम पेटल्स अंडरस्कोर ज्योति। वहाँ पर भी मैं बहुत सारी पिक्स वगैरह डालती रहती हूँ और बहुत सारी बातें करती रहती हूँ अपनी सब्सक्राइबर्स से, तो वहाँ भी आप मुझे ज़रूर फॉलो कर लें।
बाबा बाबा, हेलो हेलो बाबा जी। विश्वा जी लिखती है, आप अपनी स्किन के लिए क्या करती हो? मैं अपनी स्किन के लिए कुछ भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं यूज़ करती हूँ। मैं बहुत सारी होम रेमेडीज़ DIYs ही करती रहती हूँ, जो समय समय पे, मैं सच में यही बात कहना चाहूँगी, जो आप सबके साथ भी शेयर करती रहती हूँ। और उसके अलावा मैं कोई महंगी क्रीम व्रीम कुछ नहीं लगाती। मुझे लगता है मेरी स्किन में अभी बहुत कुछ बाकी है करना, बहुत कुछ कुछ मुझे करना है अपनी स्किन के लिए, ताकि ये हमेशा हेल्दी रहे, ग्लोइंग रहे। सुनील यादव जी, हाय मैम, आई एम बैक टू चैट। ओके, आप चले गए थे फिर वापस आए, थैंक यू, वेलकम बैक। और बताइए अपने बारे में, मैं सिर्फ बातें ही पढ़ती जा रही हूँ। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप हमारे चैनल के बारे में बताएं, अपने चैनल पे प्लीज़ हमारी हेल्प करें। तो आज मैंने लिखा था कि जिन जिन को अपने चैनल के बारे में बात करनी है वो यहाँ आए। तो मैं अपने अपनी जितनी भी प्यारी सब्सक्राइबर्स हैं ना, सबसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उन्हें भी सपोर्ट करें, पर मुझे लगता है वो नहीं आए हैं आज। माधुरी जी लिखती है, मुझे बहुत पसंद हो आप। थैंक यू माधुरी जी, मुझे भी आप सब बहुत पसंद हो। सायशा जी लिखती है, ज्योति दी ऊपर रीड करो प्लीज़। ऊपर मैं क्या रीड करूँ? सायशा जी आपने क्या लिखा? मैं सो गया शायद, आपका बहुत ऊपर चला गया आई थिंक। सो के आप फिर से लिख दो, कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत कर लो। सायशा जी लिखती हैं ऊपर की तरफ, उन्होंने यूं यूं करके इशारा किया है कि ऊपर देखो मैंने क्या लिखा है, पर वो पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे मिला ही नहीं। सुनील यादव जी लिखते हैं, थैंक्स मैम। तमन्ना जी लिखते हैं, मैम आप अपने बेटा को दिखाओ। आपने मेरे बेटे को नहीं देखा नो बर्थडे में? नो फेस टुडे। मेरे बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, जिसका व्लॉग मैं आप सबके लिए लेकर आई थी। आप वहाँ जाकर देखिए, मेरे बेटा आपको दिखेगा। माधुरी जी लिखती हैं, आप अगले संडे पर भी लाइव चैट करेंगी क्या? मैं कोशिश करूंगी, पर आप सब मुझे ज्वाइन करोगे, मेरे साथ जुड़ोगे। देखिए अभी भी सिर्फ सिर्फ 10 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हैं, और सिर्फ 9 लाइक्स आए हैं। पता नहीं, मैं तो बहुत खुशी से आती हूँ आप सबके साथ बातें करने के लिए। जल्दी जल्दी सारे काम खत्म करती हूँ ताकि आप सबसे बातें कर पाऊँ, पर इतने कम लोग जब मुझसे जुड़ते हैं ना, तो मेरा दिल टूट जाता है। फिर मन करता है कि कितनी जल्दी जल्दी लाइव आती हूँ, शायद इसलिए आप सब नहीं आना चाहते हो। जिया मेहता लिखती है, ज्योति मासी आर्यन को दिखाओ ना प्लीज़। आर्यन तो गेम में लगा हुआ है जी बेटा, वो अभी तो नहीं सुन रहा आएगा, हूँ मैं, लेकिन वो सुन रहा है लेकिन, ऐसे आप बोल रहे इग्नोर हैं। कर रहे हो, लेकिन मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा अभी मैं टाइम दो। अपनी फैमिली को टाइम दे रही हूँ। मैं अपनी घर वाली फैमिली को तो हमेशा टाइम देती हूँ, मैं अपनी सामने वाली जो कैमरे के उस साइड वाली फैमिली है ना, आज उनको टाइम दे रही हूँ। अच्छा, ये फिलहाल ये नेल पेंट मैं हर हर बार आजकल नेल पेंट ज़रूर लगाती हूँ। तो ये जो नेल पेंट है, मैं पिछली बार जो मैंने अपना नेल पेंट कलेक्शन दिखाया था ना आप सबको, तो ये मैंने लगाया, मैंने दिखाया था आपको कि मैं न्यू लेकर आई हूँ और अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, तो वो मैंने लगा लिया है। बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही हल्का है, पर बहुत ही प्यारा कलर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब बताएं कि आपको कैसा लगा, मुझे तो बहुत प्यारा लगा, बहुत ही प्यारा लगा। सॉरी, बार बार मोबाइल हिल जा रहा है। प्लीज़ मैम शो योर सन, प्लीज़ मैम। वो अभी कहाँ आएगा, वो अभी एकदम घर का नाइट सूट पहन करके बैठा हुआ है, वो तो अभी आएगा ही नहीं। वो जब पूरा हीरो बनेगा तब आएगा। वैसे भी उसको जब कैमरे के सामने आना होता है ना, तो वो बहुत टाइम लगाता है तैयार होने में, और ऐसे तो वो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तमन्ना जी लिखती हैं, देखा है, ओ देखा है, ओ क्या पे देखा है। विश्वा जी लिखती है, आपकी फेवरेट डिश? मेरी फेवरेट डिश तो चाइनीज है, ऐसे तो मुझे इंडियन पसंद है, पर अगर आप पूछोगे कि आप बाहर जाकर के क्या खाना पसंद करेंगी, तो जैसे कि इंडियन के अलावा, मतलब सादा खाना के अलावा, तो मैं शायद हक्का नूडल्स और पनीर मंचूरियन ज़रूर ऑर्डर करूँगी अपने लिए। आप सब बताइए, आप सबकी फेवरेट डिशेस क्या है? आई सॉ योर नेल पेंट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू जिया जी। तमन्ना जी लिखती हैं, बिग वाला, बिग वाला, ओके। पास में कौन बैठा है? माधुरी जी लिखती हैं, पास में मेरा छोटा बेटा है, जो पीछे से कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ बोल रहा है, हेलो हेलो भेज रहा है आप सबको। सुनील यादव जी लिखते हैं, ओके मैम, ओके जी।
और आप सब बताएं। हाँ तो मैं कह रही थी कि हमारी जब 50K की फैमिली हो जाएगी ना, तब मैं एक गिव अवे रखूंगी जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप सबके लिए मैं लेकर आऊंगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊंगी, आप सबके लिए भेजूंगी। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वहाँ पे रखेंगे, थोड़ी बातें कर लेंगे हम कि कैसे क्या करना चाहिए, आप लोगों के साथ ही डिस्कस करूंगी क्योंकि आप ही तो मेरी फैमिली हो, और तब हम बहुत मज़ेदार गिव अवे रखेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो जल्दी जल्दी 50K की फैमिली बना दीजिए हमारी। मेहता जिया लिखती हैं, डोंट से मी जी प्लीज ज्योति मासी। ओके तो मैं आपको सिर्फ जिया कहूँगी। वरलस्कर जी लिखती हैं, कैन यू हेल्प मी मैम, आई वॉन्ट टू मेक अ यूट्यूब चैनल। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है, आप भी यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहती हैं। आजकल हर बच्चे, हर कोई ही कुछ ना कुछ करना चाहता है। फाइव और हंड्रेड रुपीज पर क्लास क्या आर्यन, आप भी मेरी फैमिली के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जो मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ ज़रूर करूँगी। शायशा जी लिखती हैं, प्लीज़ रीड माई। शायशा जी मुझे तो आपका कोई मैसेज नहीं दिखा, काफ़ी ऊपर चला गया होगा, आप थोड़ा सा एक बार और लिख दो ना। विश्वा जी लिखती हैं, सो क्यूट प्लीज़ रीड माई कॉमेंट। जिया मैंने आपका कॉमेंट पढ़ लिया है, आपने कहा है कि मुझे जी मत कहो, तो मैं आपको अब जिया कह के बुलाऊंगी। तो शायशा जी लिखती है, मैंने 3 कॉमेंट किए लाइव पर, 3 कॉमेंट किए, तो मैं तो आपके कमेंट्स पढ़ रही हूँ सायशा जी, और अगर मुझे अभी नहीं दिखे तो वो मैं लाइव चैट के बाद ज़रूर ढूंढने की कोशिश करूँगी। नो 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 नॉट दैट, कौन सा वाला फिर जी, आप कौन से कमेंट की बात कर रही हो? जिया जिया भी मुझे कह रही है कि जल्दी जल्दी आप भी गिव अवे करो, एक गिव अवे रखो। तो मैं भी सोच रही हूँ, मैंने वैसे सोच रखा था कि जब हमारी 50K की फैमिली हो जाएगी। हेलो आर्यन, तमन्ना जी लिख रही है, आर्यन आपके लिए हेलो आया है। तो आप हाय। हाय, आर्यन भी हाय कह रहा है। नेल पेंट वाला, नेल पेंट, यस आपने मेरा नेल पेंट आज देखा है ना? यस मैंने ही तो आपको दिखाया था कि मेरा नेल पेंट देखिए। आरती जी हमसे अभी अभी जुड़ी है और हम 5 से 7 मिनट और रहेंगे। हेलो आरती जी कैसे हो? माधुरी जी लिखती है, मेकअप करने को क्या लिखती हैं, मेकअप करने को कितना टाइम लगता है? मुझे मुझे तो कोई टाइम ही नहीं लगता, मेरा सिग्नेचर मेकअप है, बस इतना सा ही, थोड़ा सा आई मेकअप करती हूँ, काजल वगैरह, और बस और कुछ खास नहीं। जो क्रीम लगानी होती है, फाउंडेशन मैं कभी नहीं लगाती, क्योंकि मेरा बेटा जब भी मैं फाउंडेशन लगाती हूँ ना, तो मुझे कहता है कि मम्मी प्लीज़ आप फाउंडेशन लगाओगे तो मैं आपके कोई भी वीडियोस नहीं देखूंगा। तो मैंने कभी फाउंडेशन यूज़ किया नहीं था पहले, उसी इसीलिए जब जब मैं फाउंडेशन लगा करके मेकअप करती हूँ तो उसको अच्छा नहीं लगता है, कहता है कि या तो फाउंडेशन हटाओ या फिर वीडियोज़ मत बनाओ। तो इसीलिए मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया बाबा, मैं छोड़ दिया फाउंडेशन लगाना। कोई बात नहीं, क्या फाउंडेशन लगाना है, जैसी हूँ जो भी हूँ, मेरी सब्सक्राइबर्स को मैं पसंद हूँ, बस काफ़ी है। विश्वा जी लिखती हैं, पानी पूरी, पानी पूरी पसंद है आपको? वाह वो तो हर लड़की को पसंद है, आजकल तो लड़के भी बहुत खाते हैं। आरती शर्मा जी ने हेलो भेजा है, हेलो आरती जी, बाय बाय, आई एम गोइंग टू प्ले जिया। ओके जिया बाय। पलस्कर मैम, आई एम नॉट गर्ल। ओके अच्छा आप एक बॉय हो। ओके सुनील जी लिखते हैं, मैम आपके छोटे सन को दिखाएं प्लीज़। जी बिल्कुल, मैं बहुत जल्द उन्हें भी लेकर आऊँगी अपने अगले वीडियो में, अभी तो रेडी नहीं है, वो आएगा ही नहीं, नाइट सूट में बैठा हुआ है और बस मोबाइल देख रहा है, गेम खेल रहा है, तो वो तो अभी आएगा ही नहीं। उन लोगों को भी हीरो दिखना है ना, हीरो दिखना है तभी आना है सबके सामने, अच्छा दिखना है तब आना है। पर बच्चे तो हमेशा क्यूट ही लगते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हम भी थोड़ा सा एकदम अच्छी ड्रेस व्रेस पहन लें और तब आए, थोड़ा सा मोबाइल आज छिल रहा है। माई फ्रेंड्स वॉन्ट टू टॉक विथ यू, बिल्कुल आप उन्हें भी लेकर आओ हमारी लाइव चैट में, हम उनसे भी बातें करेंगे। और बाकी आपसे मैं क्या कहूँ, मेरी वीडियोस देखें, शेयर करें, और पता नहीं क्या वो, हमारी फैमिली बहुत ही धीरे धीरे ग्रो हो रही है। पिछली चैट में जब मैं आई थी तब हमारी फैमिली थी 31.8, और आज हमारी फैमिली 33 हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, 32.9 है, तो आज 33 हो जाएगी। तो इसीलिए जल्दी जल्दी हमारी फैमिली को ग्रो करें। हाय आंटी, ओ जिया मेहता की फ्रेंड आई है लगता है। ओके हाय, हेलो बेटा कैसे हो आप, जल्दी जल्दी आए सारे, फटाफट से लाइक करें वीडियो को, मैं और ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स रहूँगी। इतना इंतज़ार आप करते हो, इतने कमेंट्स करते हो कि आप लाइव आओ लाइव आओ, और जब मैं लाइव आती हूँ तो आप सब नहीं आते हो। मैं इतनी भाग भाग के आज गई, मुझे गुरुद्वारा साहब जाना था, वहाँ से फटाफट से सारे लंगर खाना था, लंगर छक के हम फटाफट से भाग भाग के इतनी हड़बड़ी में घर आए कि नहीं नहीं मेरी फैमिली मेरा इंतज़ार कर रही होगी,
और जब मैं लाइव में आई तो अभी पता है कितने लोग मुझसे जुड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ 7 लोग। तो मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं जुड़ती अच्छी तरह से तो मन उदास हो जाता है। तो मुझे लगता है आज इस चैट को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी क्योंकि मेरी फैमिली काफ़ी बिजी है, शायद मेरी सब्सक्राइबर फैमिली जो नहीं आ पाई, तो इसीलिए आर्यन वॉल्यूम कम करो, आप मेरी ही लाइव चैट देख रहे हो, वॉल्यूम कम करके देखो, कुछ कमेंट करो आप भी। यस जूही पांडे जी भी आ चुकी है। हाय जूही जी, आज आप बहुत लेट हो गई हो, लगता है सो करके उठी हो अभी अभी। आपने मेकअप मेकअप क्या लिखना चाहते हो? विश्वा जी, आपने मेकअप कल के सन दिखाओ, मेकअप करते हुए दिखाऊं या मेकअप करके सन दिखाओ, मुझे नहीं समझ में आया। विश्वा जी आपने क्या लिखा? आरती शर्मा जी ने कुछ भेजा इमोजी, जूही पांडे प्यारे लग रहे हो, थैंक यू जूही जी। उफ, मेरा आज मोबाइल जो है ना बहुत हिल रहा है। जिया लिखती है, शी इज सेइंग शी इज बैड, जस्ट किडिंग, शी इज सेइंग आई एम फाइन। ओके, इनफरो इनफरो डार्क क्या लिख रहे हो? हाय ओल्ड वुमन, देखो मेरा बेटा मुझे लिख रहा है हाय ओल्ड वुमन, क्या बात है। इनफर्नो ओके इनफर्नो, वॉल्यूम कम करो बेटा। आपको कौन सा गेम पसंद है मैम? मुझे पसंद था गेम कैंडी क्रश, बहुत खेलती थी मैं कैंडी क्रश, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा खेलती थी कि मेरी आईज़ में प्रॉब्लम होने लग गई थी। तो मैंने अपनी आईज़ जब मैं चेकअप कराने गई तो उससे पहले मैंने ये जो गेम मैं जो बहुत ज़्यादा खेलती थी ना कैंडी क्रश, उसे मैंने डिलीट कर दिया। बहुत बहुत ऊपर तक मैं पहुंच गई थी पर उसे मैंने डिलीट कर दिया, इतना ज़्यादा मतलब पागल थी मैं उस गेम के लिए। मुझे लगता था फटाफट से सारे काम खत्म करो और गेम खेलने लग जाओ, मतलब सुबह उठते ही मोबाइल लेकर के बैठने का मन करता था, रात को लेट नाइट तक खेलने का मन करता था। कोई भी चीज़ में पागलपन जो है ना अच्छा नहीं है, इतना ज़्यादा पागलपन अच्छा नहीं है, वो मतलब कि एडिक्शन नहीं अच्छा है किसी भी चीज़ का। तो फिर मैंने उसे डिलीट कर दिया और अब मैं कुछ भी गेम वेम नहीं खेलती मैं सर। आप, मेरा यूट्यूब ही काफ़ी है मेरा मन लगने के लिए, मैं सारा दिन यूट्यूब में ही अपना मन लगा करके रखती हूँ। विश्वा जी लिखते हैं, आप खड़े हो? जी हाँ मैं खड़ी हूँ, सोचिए मैं पिछले 27 मिनट से खड़ी हूँ आप सबके लिए और आप सब हो कि आते ही नहीं हो मुझसे बात करने, मैं कब से खड़ी हूँ? बैठ जाओ। मैं बैठ जाऊंगी तो आपको नजर नहीं आऊंगी, बहुत ऊपर है मेरा कैमरा। आप पंजाबी हो? विश्वा जी लिखते हैं, जी हाँ मैं पंजाबी हूँ, थी भी कह सकते हो। तो मुझे लगता है आज के लिए काफी होंगी इतनी बातें, 12 लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, 11 लाइक्स आए हैं। एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जल्दी जल्दी चैनल को बड़ा कर दीजिए, ग्रो कीजिए चैनल को फटाफट से। इन्फर्नो क्या लिख रहे हो? दिस ग्लैम पेटल्स वुमन लिटरली स्टेज अप सो लॉन्ग इन द नाइट एडिटिंग। तो क्या करूँ, करना पड़ता है ना एडिटिंग के लिए, तो मुझे लेट नाइट तक जगना पड़ता है और आप मेरा वेट करते रहते हो सोने के लिए और मैं बहुत लेट आती हूँ और आप गुस्सा हो जाते हो और सो जाते हो। पहले कैंडी क्रश अब एडिटिंग। दैट्स राइट। तो बस अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप मुझे बताएं कि आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हो तो मैं आपके लिए वो वीडियोस लेकर आऊँगी। और मैंने जो पिछली वीडियो कुछ दिन पहले ही आप सबके शेयर की है जिसपे मैंने बताया है कि वैदिक्स जो प्रोडक्ट्स जो हमारे बालों के लिए, खास करके जो शैम्पू, हेयर ऑयल और हेयर सीरम जो कस्टमाइज करके बनाया जाता है, उसके बारे में मैंने बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दिया है, अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर किया है, उसे ज़रूर आप देखें। उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए हैं पता नहीं क्यों, तो ज़रूर आप सब देखें, आप सबको ज़रूर अच्छा लगेगा। मैं कॉपीराइट म्यूजिक बजा रही हूँ। नहीं, नो, कोई कॉपीराइट म्यूजिक मत बजाना। मेकअप कलेक्शन दिखाओ, मेकअप कलेक्शन तो है ही नहीं मेरे पास ज़्यादा पर फिर भी मैं ज़रूर दिखाऊंगी। आरती शर्मा जी ने बाय कर दिया है, बाय आरती जी, मैं भी अब जा रही हूँ बस और मैं अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, बाय बाय आई एम लीविंग। ओके जिया, मैं भी जा रही हूँ। तो सीता देव जी अब आए हैं, हाय लिख रहे हैं, हाय सीता जी एंड बाय टू, क्योंकि मैं भी जा रही हूँ।
आधा घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है हमें आए हुए को, अब मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलूंगी। तो आप सब अपना ख्याल रखें, ठंडी अब धीरे धीरे जा रही है, तो ठंडी को बाय बाय करें और गर्मी को वेलकम करें। हरदीप सिंह नमस्कार, निमिता निमिता बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा रोडपति से? रोडपति नहीं बनना हमें, करोड़पति बनाना है तो बोलिए। हर्षप्रीत कौर बाय मैम, बाय 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 मैम। नरेंद्र पीजे, नरेंद्र जी ने कुछ लिखा और डिलीट कर दिया। माधुरी जी बहुत पागल हो, वो दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। हाँ बहुत बिंदास है, माइंड नहीं करते किसी बात का। सीता देवी सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सीता जी। कुछ ही लोग हैं जो मुझे समझ पाते हैं और कुछ लोग तो मुझे पागल बना देते हैं, पागल कहते हैं। तो बस अब मैं चलती हूँ, अब मैं आपसे जल्दी ही बहुत जल्दी मिलूंगी। बहुत बार मैं चलती हूँ कहते रहती हूँ। तमन्ना जी मैं बिल्कुल अपना मेकअप कलेक्शन लेकर आऊंगी। इन्फर्नो बाय बाय, सी यू टाटा।